नहीं, लेबर कैटेगरी में भी क्या होती है, क्रिएटिविटी देखने को मिल जाती है। एक छोटा सा बच्चा स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज सजेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर चीज़ें क्या कर दी गई हैं, प्लान कर दी गई हैं पहले से, तो जो एट मोमेंट क्रिएटिविटी आती है लेबर के दिमाग में, वर्कर्स के दिमाग। गुड मॉर्निंग गाइज, चैंटिंग चैनक एकेडमी की फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए हम डिस्कस करते हैं आज एक टॉपिक जिसका नाम है क्या, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लानिंग की, हमने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं क्या प्लानिंग की कमियाँ क्या होती हैं। हर चीज़ के कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं प्लानिंग के। पहला आता है हमारा क्या, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या होता है कि भाई देखो, रबर होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या है, ये रिजिड है। इसको अगर हम तोड़े तो, इसको हम मतलब मोड़ना चाहें तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रिजिड है। तो अगर हमने चीज़ें क्या कर दी हैं, एक बार प्लान कर दी हैं, तो नाउ वी हैव टू फॉलो द सेम कोर्स ऑफ एक्शन एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर। जो पहले से हमने डिसाइड कर लिया उसी तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई स्कोप नहीं है कि हम दूसरा तरीका भी अपना सकें, क्लियर है। तो क्या होता है, एक रिजिडिटी आ जाती है, फिक्सिटी आ जाती है, चेंजेस कम कर पाते हैं प्लानिंग करने के बाद। आगे कहते हैं क्या, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है विच कीप्स चेंजिंग एवरी मोमेंट एवरी मंथ एवरी डे। जहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हों वो क्या कहलाता है, डायनेमिक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसी के रेट्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो उसको हम डायनेमिक भी बोल सकते हैं और वोलेटाइल भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि चेंजेस फ्रीक्वेंटली आते रहते, तो वहाँ पे प्लानिंग काम करेगी क्या, नहीं करेगी, क्योंकि कुछ भी सर्टेनिटी है ही नहीं कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल, फैशन इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, आप प्लान बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है, दैट इज़ हाईली वोलेटाइल हाईली डायनामिक। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग काम करेगा लेकिन एक लिमिट में काम करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि चेंजेस कब आ जाएंगे, क्लियर है। वेदर हो गया, वेदर अनसर्टेन है, ठीक है, चेंज होता रहता है लगातार, तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे, हो सकता है आपकी प्लानिंग काम करे, हो सकता है प्लानिंग काम ना करे, क्लियर है। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में कभी कभी प्लानिंग काम नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बिल्कुल सही कहा, देखो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो हाई लेवल पर लोग बैठे हुए वही क्रिएटिविटी लेके आ पाते हैं, नहीं, लेबर कैटेगरी में भी क्या होती है, क्रिएटिविटी देखने को मिल जाती है। एक छोटा सा बच्चा स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज सजेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर चीज़ें क्या कर दी गई हैं, प्लान कर दी गई हैं पहले से, तो जो एट मोमेंट क्रिएटिविटी आती है लेबर के दिमाग में, वर्कर्स के दिमाग में, वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है। क्यों, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्लान द थिंग्स कि कैसे हमें करना है, ना हमने प्लान कर लिया है, तो क्रिएटिविटी जो आई थी उसके लिए कोई भी स्कोप यहाँ पर बचा क्या, नहीं बचा, है ना। तो ये भी हमारी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है प्लानिंग की। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आप इस बात से सहमत हो कि नहीं हो कि प्लानिंग में कॉस्ट आता है, बिल्कुल आता है। कैसे आता है, देखो हर कोई प्लान नहीं कर सकता है, नॉट एवरी पर्सन कैन बी ए प्लानर। प्लानिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक शार्प माइंड होना चाहिए, एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जो नज़र है वो होनी चाहिए कि आप एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से स्कैन कर पाओ, पास्ट में जो ट्रेंड्स देखने को मिले हैं उसको आप सही तरीके से एनालाइज कर पाओ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या रीजंस थे, उसको सही तरीके से एनालाइज कर पाओ, और फ्यूचर के लिए क्या कर पाओ, कुछ प्रेडिक्शंस कर पाओ। तो क्या हर कोई ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या करनी होगी, वेरी इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है। और जब आप इंटेलेक्चुअल्स को और प्रोफेशनल बॉडीज़ को हायर करोगे, तो पहली बात तो एक मोटी सी गड्डी आपको उनको देनी पड़ेगी हर महीने या फिर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्लियर है ना। और क्या करना होगा, आपको डेटा कलेक्ट करना है मार्केट सर्वे से, क्योंकि आपको प्लानिंग करनी है, तो उसमें भी कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। अलग अलग लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो कॉस्टली। तो प्लानिंग का जो पूरा पार्ट है वो क्या है, काफी कॉस्टली अफेयर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत ज्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग क्या होता है, बोलते हैं ना कि वेल प्लान इज हाफ डन या वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने प्लान अच्छे से कर लिया तो आधा काम आपका
खत्म हो गया। लेकिन उस आधे काम को करने के लिए मतलब प्लान करने के लिए भी क्या करना होता है, बहुत सारा वक्त देना पड़ता है। अलग अलग जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको इवेल्यूएट करना होता है कि ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, इसमें टाइम लगता है ना। मार्केट सर्वे करना है उसमें भी टाइम लगता है, पास्ट का रिकॉर्ड देखना है अपन को, ट्रेंड्स देखने हैं उसमें भी क्या होता है, टाइम लगता है। सो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक मिनट में या एक घंटे में होने वाली चीज़ें नहीं है, कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है अपन को, टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। देखो सक्सेस की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है आपको, हाँ सिर्फ आपके अलावा आप अपने आप को सक्सेस की गारंटी दे सकते हो। इसी तरह क्या होता है, प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि अगर हम अच्छा प्लान करते हैं तो हम क्या होगा, हम सक्सेसफुल होंगे। लेकिन डैम श्योर नहीं है, इसमें भी 2% क्या है चांसेस हैं कि आपका प्लान सफल ना हो। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है प्लानिंग की कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा पक्के तौर पर हम नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप द वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू। इफ यू लव द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अरे अरे, सियोरिटी अभी भी नहीं है कि आप नहीं पकड़े जाओगे, लेकिन आपने हेलमेट लगाया क्योंकि आपने प्लानिंग किया हुआ था, तो आगे के जो मतलब रिस्क थे डॉक्यूमेंट चेकिंग के या अदर रिस्क थे, वो पहले ही स्टेप में आपने क्या कर दिए, कम कर दिए, बिकॉज यू आर वेयरिंग हेलमेट। और हेलमेट क्यों पहना है आपने, क्योंकि आपने प्लानिंग किया हुआ था, पहले से अंदाजा लगाया हुआ था कि हो सकता है चेकिंग मिल जाए। नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। क्या होता है ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग का मतलब होता है क्या, ओवरलैपिंग, दिस इज ओवरलैपिंग, मतलब मेरे एक हाथ में दूसरे हाथ को क्या किया, ओवरलैप किया हुआ है। बिजनेस में क्या होता है ओवरलैपिंग, कि एक काम जो मिस्टर एक्स कर रहे हैं वही काम मिस्टर वाई भी कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एक बंदे के जो एफर्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक काम मिस्टर एक्स जो कर सकते थे उसमें दो लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वेस्ट होंगी। लेकिन प्लान जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्क डिसाइड कर देते हैं, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, क्या क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन प्लानिंग। तो अगर ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो हमारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो क्या होंगी, ओवरलैप नहीं होंगी, और हमारे एफर्ट्स क्या होंगे, वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। देखो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, है ना, मतलब सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम है किसमें, प्लानिंग में। और जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपको पिकनिक पे जाना है कभी, है ना, तो आपने बैठ के क्या किया, सोचना शुरू किया, तो पहला आइडिया आया कि चलो हम कार से चलते हैं, दूसरा आइडिया आया कि अरे नहीं दो कार्स लेके जानी पड़ेंगी, थर्ड आइडिया क्या आया कि अरे नहीं चलो अपन एक काम करते हैं बाइक से चलते हैं, दो दो लोग चलते हैं, बढ़िया घूमना भी हो जाएगा और कॉस्ट इफिशियंट भी होगा। तो ये कब हुआ, व्हेन यू सेट, है ना, और आपने सोचना शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या आ गए, इनोवेटिव आइडियाज आ गए। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग अगर हम कर लेते हैं तो हमको डिसीजन मेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बेसिकली प्लानिंग भी क्या है, डिसीजन मेकिंग ही है, कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, अब हमें इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो हमने क्या किया, डिसीजन मेकिंग किया। हमने देव है और मोनू है, देव क्या करेगा, ये काम करेगा, मोनू हमारा क्या काम करेगा, दूसरा काम करेगा। यहाँ पर क्या किया हमने, डिसीजन ही तो लिया है, इजंट इट। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, अगर हमने बढ़िया प्लान कर लिया तो हमको डिसीजन आगे लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम क्या, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल कब आता है, जब आप अपने लिए स्टैंडर्ड तय कर देते हो, तभी तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, है कि नहीं। आपने कोई स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं किया हुआ है तो कंट्रोलिंग कहाँ से लेके आओगे आप। यू हैव नॉट डिसाइडेड येट कि आई हैव टू स्कोर 80%, 90% और 100% टाइल। तो अगर आपके 60% आ गए तो कैसे कंट्रोलिंग करोगे, क्योंकि आपने तो पहले से डिसाइड ही नहीं किया था कि मुझे 80% चाहिए, 90% चाहिए।
तो अगर हमने प्लान कर लिया तो इसका मतलब क्या कि हर चीज़ को करने के हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए, कितने टाइम में ये काम होना चाहिए, कितना टर्नओवर चाहिए हमको, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब हमने डिसाइड कर लिया। अब जो हमने सोचा था, जो प्लान किया हुआ था, उससे अगर कुछ डेविएशन आते हैं, कुछ से वो डिफरेंट होता है, तभी तो हम कंट्रोलिंग करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोलिंग कम्स ओनली आफ्टर प्लानिंग। पहले हमने प्लानिंग किया तब जाके हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट प्लान, अगर हमने स्टैंडर्ड सेट नहीं किए तो कंट्रोलिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। होप वीडियो इज क्लियर टू यू। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। And if you love the video, then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Have a good day.